भारत की अग्नि प्राइम के आखिरी टेस्ट से क्यों घबरा रहा है चीन? आखिर भारत अग्नि प्राइम में ऐसा भी क्या ऐड करने वाला है जिसके बाद ये मिसाइल बन जाएगी हाइपरसोनिक मिसाइल? अगले महीने भारत ऐसा क्या करेगा जिससे परेशान है चीन? भारत को रोकने यूएन की शरण में गिड़गिड़ाने लगा चीन? दोस्तों, भारत एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट करने की सोच रहा है जिसका चीन अभी से विरोध कर रहा है, जैसे भारत ने चीन पर परमाणु अटैक की ही तैयारी शुरू कर दी हो। चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने का दावा करता है और अब भारत की एक मिसाइल टेस्टिंग से उसके माथे पर पसीने छूट रहे हैं। आखिर कौन सी है मिसाइल जिसकी टेस्टिंग की खबर ने ही चीन की नींद और चैन सब कुछ उड़ा दिया है? आखिर ऐसा क्या खास है इसमें कि चीन इतना घबरा रहा है? तो दोस्तों, ये मिसाइल है अग्नि प्राइम। हाल ही में भारत ने इसका एक टेस्ट कंडक्ट कर लिया है और अगला फाइनल टेस्ट जल्द ही होने वाला है। लेकिन चीन के लिए पंगा ये हो गया कि अगर इस मिसाइल का ये टेस्ट हुआ तो ये उसकी बर्बादी का सबसे अचूक हथियार बन जाएगी। इसी वजह से चीन को जैसे ही खबर मिली कि भारत ने अपनी अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्टिंग कर लिया है और आखिरी और सबसे क्रूशियल टेस्ट जल्द करने वाला है जो उसका आखिरी टेस्ट होगा, तो चीन के हाथों से तोते उड़ गए। उसने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत का ये कदम सही नहीं है, इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है और भारत को संयम से काम लेना चाहिए। हालांकि चीन के मुंह से ऐसी बात ठीक नहीं लगती क्योंकि भारत के बॉर्डर में मिलिट्री वाले गांव तक बना रहा है वो। चीन को टेंशन किस हद तक हो गई है कि ये इस बात से समझ लीजिए कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि टेस्टिंग के बाद बड़े पैमाने पर इस मिसाइल का उत्पादन होगा और आने वाले सालों में इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा, जो कि चीन के लिए बेहद ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि दोस्तों, आखिर चीन भारत की इस मिसाइल से इतना क्यों डर रहा है? आखिर क्या होने वाला है इसके आखिरी टेस्ट में? तो चलिए जानते हैं। भारत की अग्नि प्राइम को लेकर दहशत में चीन। भारत बना चुका मिसाइल को ऑलमोस्ट हाइपर मिसाइल। भारत की शानदार मिसाइल को जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों के छक्के छुड़ाकर रख दिए हैं। इस मिसाइल का नाम है अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम। ये भारत के अब तक की सबसे सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 1200 से 2000 किलोमीटर है। इसे खासतौर पर कम दूरी पर दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ये पुरानी अग्नि सीरीज की मिसाइल की तुलना में काफी हल्की है, बेहद तेज है और न्यूक्लियर कैपेबल है। ये मिसाइल सेना में अग्नि एक को रिप्लेस करेगी। अग्नि एक की रेंज 700 किलोमीटर थी। अग्नि प्राइम कई मायनों में अग्नि से ज्यादा एडवांस है। इसमें नया प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें कंपोजिट रॉकेट मोटर केसिंग और एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। ये भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी खास बात यह है कि इसे DRDO ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की तरह तैयार किया है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है यानी कि आवाज की गति से तेज, और एक बार टारगेट सेट किए जाने के बाद उसे हिट किए बगैर ये बिल्कुल जाया नहीं होती। 34.5 फीट लंबी मिसाइल पर एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV वॉरहेड लगा सकते हैं। MIRV से एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स पर हमला हो सकता है। यह मिसाइल उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक, थेरोमिक बैरिक हथियार या परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। मिसाइल की नोजल पर 1500 से 3000 किलोग्राम वजन के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलाने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का तीसरा स्टेज MARV है, यानी तीसरे स्टेज को दूर से कंट्रोल करके दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसे तब बनाया गया जब चीन ने DF-12D, DF-26B मिसाइलें तैयार की थी। तब चीन की ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत ने एरिया डिनायल वेपन के तौर पर इस मिसाइल को बनाया है। साउथ चीन सागर में किसी भी जहाज को कर देगी तबाह। भारत की अग्नि प्राइम के निशाने पर जो आया वो राख। दोस्तों, आपको बता दें कि अग्नि प्राइम को अगर हिंद महासागर से छोड़ा जाए तो साउथ चाइना सी में मौजूद चीन का बड़े से बड़ा जहाज नेस्तनाबूद कर देगी। और यह सबसे बड़ी वजह है कि चीन घबरा रहा है क्योंकि अब हम ही उसकी रेंज में नहीं है बल्कि वो खुद भी हमारी रेंज में आ चुका है। अब मुकाबला टक्कर का जो हो गया है और इसीलिए वो नहीं चाहता कि भारत इस मिसाइल का आखिरी टेस्ट पूरा करे। दरअसल अभी तक अग्नि प्राइम के सभी टेस्ट सफल हुए हैं और अक्टूबर नवंबर में इसके आखिरी टेस्ट के बाद इसे सेना को दे दिया जाएगा इंडक्शन के लिए, और इसीलिए चीन के पसीने भी छूट रहे हैं। अभी तक इस मिसाइल के 4 सफल टेस्ट किए जा चुके हैं। पहला टेस्ट 8 दिसंबर 2021 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड खोज से किया गया। इस टेस्ट में 2 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV के माध्यम से 2 अलग अलग लोकेशंस पर टारगेट हिट किए गए, जबकि टेलीमेट्री रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेशंस और डाउन रेंज शिप ने पूर्वी तट से मिसाइल पर नजर रखी थी और मिसाइल ने पूरी सटीकता से अपने टारगेट को फॉलो किया और टेस्ट को सफलता से पूरा किया। इसके बाद 18 दिसंबर 2001 को दूसरे टेस्ट में मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और उसके सभी एडवांस सिस्टम की जांच की गई। तीसरा टेस्ट 21 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट किया गया जिसे भी इस मिसाइल ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसके बाद 7 जून 2023 को इसकी चौथी बार टेस्टिंग की गई। तीनों सफल टेस्टिंग के बाद ये इसका पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। काफी सारे रडार, टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम को अलग अलग जगह पर सेट किया गया ताकि मिसाइल के एक एक पल के मूवमेंट को कैप्चर किया जा सके, और DRDO के द्वारा किया गया टेस्ट सफल रहा।
अब बस इस मिसाइल का आखिरी इम्तिहान होना बाकी है। उसके बाद ये मिसाइल की छाती को चीरने के लिए सीमा पर तैनात कर दी जाएगी। दोस्तों, भारत के पास इस समय अग्नि मिसाइल के 5 वेरिएंट मौजूद हैं। अग्नि 1, जिसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर है। इसके बाद है अग्नि 2, जो कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। फिर नंबर आता है अग्नि 3 का, जो कि 2500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक टारगेट को हिट कर सकती है। उसके बाद अग्नि 4, इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है और ये एक रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर की जा सकती है, यानी कि ट्रक में लोड करो, डालो, ले जाओ और फिर फायर करो। फिर नंबर आता है अग्नि 5 का। ये अग्नि सीरीज की सबसे लंबी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि भारत से दागे जाने पर ये मिसाइल चीन के बीजिंग जैसे बड़े शहरों को भी निशाना बना सकती है और इसीलिए चीन के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा हो गई हैं। लेकिन यही चीन भारत को उसका फर्ज याद दिला रहा है, यहां तक कि भारत को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस तक जा पहुंचा है। वहीं चीन पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद करता रहता है। इससे ही चीन के दोगले रवैये का पता चलता है। चीन न्यूक्लियर मिसाइल के लिए पाकिस्तान को यूरेनियम और तकनीक मुहैया कराता रहता है। इसके अलावा वर्ष 2018 में चीन ने मल्टी वॉरहेड मिसाइल के विकास में तेजी लाने के लिए पाकिस्तान को ट्रैकिंग सिस्टम भी उपलब्ध कराया था। दोस्तों, चीन अपनी पूरी ताकत लगा ले, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन अब भारत चीन से डरता नहीं है। इसीलिए चीन की इतनी धमकियों के बावजूद भी भारत लगातार अपनी मिसाइलों की सफल टेस्टिंग करता रहा और उम्मीद है कि जल्द ही फाइनल टेस्टिंग के बाद अग्नि प्राइम भारत की सेना में शामिल हो जाएगी और उसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की ही आंखें भारत की ओर कभी नहीं उठ पाएंगी। दोस्तों, चीन जिस तरह से बौखला रहा है उससे ही उसके डर का पता लग रहा है और अगर चीन का यह हाल है तो सोचिए पाकिस्तान का इस मिसाइल के नाम से क्या हाल हो रहा होगा।